तो पिछली बार भी हमने यही देखा था कि हमें परमेश्वर का भय रखना चाहिए। बहुत कम हमें सिखाया जाता है, हमें सिखाया कि परमेश्वर का आदर रखो, परमेश्वर का आदर रखो, लेकिन परमेश्वर का भय रखना जरूरी है। परमेश्वर का भय, मैंने पिछली बार भी बताया था कि हमें से कई लोगों में मैं भी आ जाता हूँ, परमेश्वर का भय नहीं होता। उसके पीछे का रीजन, एक तो रीजन मैंने बताया था, एक और रीजन आज बताना चाहूंगा मैं, क्योंकि हम अपने को, हम लोग खुद को पापी नहीं समझते हैं। अरे आप लोग बोल रहे नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसा हूं, हम तो नए नियम के विश्वासी है, हम तो यीशु के लोगों से धोए हुए, हम पापी नहीं है। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, मेरा कहने का मतलब ऐसे कि हम में से खुद लोग यहूदी जैसे हो गए हैं। उसका मतलब ऐसा है, यहूदी लोगों का एक वो था कि दे वर वेरी राइटियस, बहुत धार्मिक लोग थे, वो जो करना था करते थे, संडे हर संडे आते थे, टाइम पे देते थे, प्रचार टाइम पे करते थे, सुनते थे, दूसरों का हेल्प टाइम पे करते थे, लेकिन उनमें कमी थी। क्या थी? वो लोगों को ऐसा लगता था कि ये सब करने से मेरा उद्धार पक्का है, सैल्वेशनिस्ट पक्का है मेरा सैल्वेशन, लेकिन ऐसा नहीं था। जिन्होंने वचन पढ़ा उनको पता है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं। अभी आराधना में हम लोग बैठे हैं, जब हम आराधना करते हैं तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? आराधना के बारे में बार बार ये वचन बोला, हम फिर से वचन में जाएंगे, यशया नबी की किताब 6:5 क्या कहता है? यारे मैं कहूं अफसोस से बने मारू आवी बन्यू छे, कारण के हूँ अशुद्ध होठो नो मानस छू ने अशुद्ध होठो ना लोक मा हूँ रहू छू, केम के मारी आंखो ए राजा ने एटले सैन्यो ना देव यहोवा ने जोयो छे। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा। अपने आप, अभी यहाँ पर यशया, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट प्रोफेट, बहुत चमत्कार किए यशया ने, किए चमत्कार, बहुत चमत्कार किए हैं, बहुत भविष्यवाणियां की है, हमने गाया कि प्रभु हमें नबूवत करवाओ। वो क्या कहता है कि मैं कैसा होठ वाला, अशुद्ध होठो वाला, भय, ही इज फियरफुल ऑफ द लॉर्ड। हमने पिछले संडे वचन में सुना अय्यूब के बारे में, अय्यूब ने कहा कि जब तक मैं तुमसे नहीं मिला तब तक मैं जानता नहीं था कि मैं कितना अशुद्ध मनुष्य हूं, अय्यूब। फिर भी हम लोग आराधना में कैसे बैठते हैं? हम तो सही है, हमने तो ये हफ्ता कुछ गलत किया ही, हम कैसे, हम धार्मिक लोग हैं, हमारी प्रार्थना तो यीशु सुनेगा, कॉन्फिडेंस। फिर से मैं ये बोल रहा हूं, यीशु नहीं सुनेगा करके नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने मन की भावनाओं को बोल रहा हूं। यशिया कहता है कि हाय हाय, ऐसा है थोड़ा हिंदी में ड्रामेटिक बोला, हाय हाय मैं मनुष्य, अभागा मनुष्य, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य। हम में से कई लोग ये मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है, क्योंकि सालों से हम लोग सुनते आए हम लोग यीशु के लोग से शुद्ध हो गए हैं, गलत बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। टेकन फॉर ग्रांटेड यानी मैं कुछ गलत बोल दिया लेकिन यीशु के लोग से धोया हूं वो चलेगा, मैंने कुछ गलत देखा मैं यीशु के लोग से धोया हूं वो चलेगा, ऐसा नहीं है। ज्यादातर प्रचार दुनिया में ये कहते हैं यीशु के पास आओ, अभी पिछले हफ्ते भी अंकल ने बोला कि लोग किस प्रकार लोगों को बुलाते, चर्च में आओ तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, पैसा मिलेगा, सब कुछ तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब सुसमाचार मैंने पढ़ा, मैंने कहीं पर भी यीशु को, किसी भी व्यक्ति को धनवान बनाते नहीं देखा। आपने देखा है किसी भी व्यक्ति को धनवान बनाते हुए देखा है? देखा है नहीं? नहीं देखा। तो यहां पर हम दो तीन व्यक्तियों को देखेंगे जिसका एनकाउंटर, जिसका मुलाकात यीशु से हुआ और उनका रिएक्शन क्या था। ये बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि हमारा रिएक्शन कैसा रहता है यीशु से मिलने के लिए और इन व्यक्तियों के रिएक्शन में, मैंने खुद के जिंदगी में बहुत डिफरेंस पाया है। हम लोग जाएंगे लूका की किताब। अभी लूका का किताब ऐसा किताब है जो सबसे डिटेल्ड
यीशु मसीह के बारे में बताते, उसमें बहुत ही छान बीन कर खोज कर लिखा गया हुआ किताब है, क्योंकि जब लूका पहला अध्याय पहला वाक्य बोलता है हे थियोफिलिस मैंने सब बातों के बारे में जांच करके ये लिखा गया किताब है। अगर ऐसा है तो लूका पांचवा अध्याय 4 से लेके 8 तक कोई हिंदी में पढ़े, जब वो बातें कर चुका तो समन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शोमन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। अभी हम लोग क्या बोलते हैं ये वचन, देखा यीशु मसीह ने बोला जाल डालो, जाल डाला क्या हो गया, बहुत आया अबंडेंस, देखा उनका नेट टूटने वाला है, तुम चर्च में आओ यीशु मसीह तुम्हारे जाल में बहुत सारी मछलियां देगा। देखो मेरा यीशु ऐसा है, तुम लोग चर्च में आओ। हमारा आजकल का सुसमाचार ये कि चर्च में आओ तुम्हें नौकरी नहीं है, ओहो परमेश्वर तुम्हें बहुत बढ़िया नौकरी देगा, सीईओ बना देगा, तुम्हें बस यीशु के पास आओ, पैसा नहीं है, गरीबी है, घर नहीं है, यीशु के पास आओ, वो तुम्हारा जाल भर देगा, हिला हिला के दबा दबा के। हम लोग ये सुनते हैं, मैं खुद इसमें बुराई या गलती नहीं है, यीशु जरूर देता है, लेकिन यहां पर जिसको बोला उसका रिएक्शन क्या है वो पढ़ेंगे हम लोग, उसका 8वें देखकर शमन पत्रस यीशु के पावों पर गिरा और कहा हे प्रभु मेरे पास से जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। अरे ये क्या, हम बोलते क्या बोलते, ओ थैंक यू जीसस, ओ परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद, ओ परमेश्वर कल भी आना, कल भी परमेश्वर मेरे पास आना, मैं आपकी आराधना करूंगा, आप जाना मत, मेरा बोट छोड़ के जाना मत आप, ओहो परमेश्वर का चमत्कार देखो। लेकिन यहाँ पर शिमोन ऐसे क्यों नहीं कर रहा, वो क्या बोलता है, घुटने में गिरता बोलता है और ये मुझे चौंका दिया, ऐसे कैसे, उसने धन्यवाद क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, वो क्या हुआ, वो घुटने पे गिरा और कहा परमेश्वर मैं क्या हूं, मैं अशुद्ध होटो वाला मनुष्य, क्योंकि मैंने महाराजा परमेश्वर को देखा, यशया ने बोला अशुद्ध होटो वाला। यीशु से कोई मिलता है तो उसको अपने अंदर की गंदगी नजर आती है, इसीलिए हम कहते हैं यीशु धर्म नहीं बदलता, दिलों को क्यों बदलता है, हम इसीलिए कहते हैं अय्यूब ने कहा जब तक मेरे तुमसे बात नहीं हुई तब तक मुझे पता नहीं था मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूं। आगे लिखा है, आगे क्या लिखा है 9वें वचन में, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़ने जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंबा हुआ। अचंबा हुआ, कहीं ना कहीं हमारे जिंदगी में ये अचंबा होने का ना एक्सपीरियंस चला गया है। हम लोग आज भी परमेश्वर पिछले हफ्ते मेरे घर पे जो यूथ मीटिंग हुआ, सॉरी यूथ मीटिंग नहीं, जो हमारा वेनेसडे मीटिंग हुआ, उसके बाद विजय भाई ने बोला रनीश भाई ये अच्छा है आप ये क्यों नहीं ले लेते हो, एक घर ले लो। मैंने बोला मेरा अंबाला में घर है, वो बोलते नहीं आप जो रेंट दे रहे हो वो बहुत ज्यादा है, आप एक घर और ले लो। उस टाइम मैंने कुछ बोला नहीं विजय भाई को, मैंने ये भी सोचा कि घर छोटा सा लूंगा, ऐसा कि नहीं लूंगा, लेकिन मैं ऐसा मेरा जब मैं सोचता हूं तो मेरे खुद पे धिक्कार भी आता है, क्योंकि मैं कहने को क्या हूं यीशु मसीह का चेला हूं है, लेकिन मेरे अंदर वो भी है एक और घर, एक और शर्ट, एक और नई गाड़ी सेल्टोस, आजकल सेल्टोस का चल रहा है, मैं भी देखता हूं क्या गाड़ी है, एक सेल्टोस आइडेंटिटी बेस्ड, एक सेल्टोस हम लोग, और क्या बोलते हैं यीशु मसीह देगा, ओ यीशु को विश्वास करेगा वो तुम्हें सेल्टोस देगा, वो तुम्हें फॉर्च्यूनर देगा, वो तुम्हें घर देगा, आज तुम्हारे पास एक घर है वो चार घर देगा, क्योंकि तू मुंह खोल, और उसके लिए सपोर्टिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग पुराने नियम में जाते हैं, क्योंकि नए नियम में तो क्या करते हैं पुराने नियम में जाते हैं, तू मुंह पसार मैं भर दूंगा, रिवाज रखे जाना देना घर क्यों,
अमर्ति कुल की हिला हिला के दबा दबा के देने वाला परमेश्वर। सब पुराने नियम में जाते हैं, नए नियम का यीशु ऐसा नहीं है। यहां पर शिमोन पत्रस अपने घुटने पे गिरा और बोला, मैं क्या हूं। उसने अपने अंदर की गंदगी को पहचाना। काफी बार मैं भी अंदर की गंदगी को पहचानने में मार खा जाता। हमारे घर में जो लोग आए उन्होंने कोई गंदगी देखा हमारे घर में, कोई बोलेगा गंदगी देखा करेगा हमारे घर में, कोई बोलेगा जो आए आया ना भी बोलो यार नहीं नहीं बोलो नहीं। मैंने बोला मेरा घर 3 BHK है, 3 कमरे हैं, लेकिन आपने कितने कमरे देखे? दो ही देखे। तीसरा कमरा क्यों नहीं देखा? क्योंकि हमने बंद करके रखा था। और वो क्यों बंद किया था? क्योंकि दो घर के सारे जो सामान थे हमने तीसरे जो कमरे बंद करके बंद किया, ताकि दो कमरा हमारा साफ सुथरा दिखे। मैंने आगे देखा। हम में से कई भी लोग ऐसे, हम संडे चर्च को आते हैं ना, हमारे 2 कमरे हम लोग एकदम चकाचक करके आते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में कचरा सब जमा करके हमने जमा करके रखा है। क्योंकि हम लोग प्रॉस्पेरिटी वाले इशू के बारे में सुनते आए हैं, जो ये बातें करेगा उसको ये सब दिया जाएगा। इशू ने कहा वो कोई नहीं सुनेगा, ये सुनेगा। यीशु ने सिमोन के जाल को मछली भर दिया। ओहो, बड़े बड़े मछली, इतना ज्यादा भरा कि जाल टूटने लग गया। वी आर शोइंग प्रॉस्पेरिटी, लेकिन ये गलत है। जैसे आज पास्टर ने बोला, जो तुम्हें चाहिए वो खाना पीना तुमको देगा वो, लेकिन 4 घर 5 बंगले किसके लिए, किसके लिए? अभी हम जाएंगे एक दूसरे व्यक्ति के पास। ये तो गरीब था शिमोन। शिमोन क्या था? गरीब था। अभी हम एक अमीर व्यक्ति के पास जाते हैं और यीशु का मुलाकात में क्या होता है। लूका का ही किताब में 19, लूका 19:5-8। जब यीशु जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। यहाँ पर एक अमीर व्यक्ति से यीशु का मुलाकात होता है। यीशु ने ऐसे नहीं बोला, ओह जक्कई आ जाओ आज मैं तेरे घर पे, जिस दिन मैं, जैसे मैं तेरे घर पे आऊंगा ना, तेरा जो संपत्ति है वो 4 गुना हो जाएगा। ऐसा बोला? नहीं बोला। तुम्हारा टैक्स कलेक्शन डबल हो जाएगा, कल से तुम डबल टैक्स कलेक्ट करोगे। ऐसा बोला? नहीं। यीशु ने तो कुछ बोला ही नहीं, लेकिन जक्की ने अपने अंदर की गंदगी को पहचाना। उसने जाके यीशु को कहा, मैं कहा यार ये कैसे? हम लोग बोलते हैं हमारे घर में पास्टर साहब आके प्रार्थना करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मेरी नौकरी मजा नहीं आ रहा है, ओहो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, पास्टर साहब प्लीज हमारे घर में प्रार्थना करो। उसमें गलती नहीं है, इसके बारे में कभी बताऊंगा मैं। हम लोग हमेशा यीशु मसीह के पास जाते हैं प्रॉस्पेरिटी के, अभिवृद्धि के लिए, नौकरी। कभी भी हमें से किसी ने बोला है संपत्ति का आधा तो बहुत ज्यादा है, इसे चल मैं भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कि मैं एक गरीब बच्चे को पढ़ाऊंगा। हमारे यहां कलीसिया में ऐसे कई लोग हैं जो 1-2 गरीब बच्चे को पढ़ा सकते हैं। जो हमारे चर्च में कुछ गरीब परिवार है उनको हेल्प किया जा सकता है। यीशु से जब आप मिलोगे ऐसा क्या बजाय कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ऐसे के बजाय ऐसे। यही यीशु मसीह का सुसमाचार है। मैंने अगर किसी से कपट करके लिया उसे मैं 4 गुना दूंगा, मैं अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा। लेकिन हम लोग प्रचार में क्या सुनते हैं? ओ जक्यूस, जक्यूस परमेश्वर को देखने के लिए मुश्किल से पेड़ पे चढ़ा। देखा, सब सही है,
लेकिन जकी उसका रिएक्शन क्या था? तब यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि जकियुस तूने अपने अंदर के गंदगी को पहचान लिया है। सिर्फ पहचाना ही नहीं तो उसको धोने की कोशिश भी कर रहा है। जब यीशु से आप मिलोगे, जब हम सुसमाचार सुनाना हम सबका कर्तव्य है, सुनाएंगे जरूर, ये बोलना चाहिए कि यीशु अपना बीमार को चंगा करता है, अंधों को आंख देता है, लंगड़ों को चलाता है, तुम्हारे को नौकरी देगा, जरूर बोलना चाहिए। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो दुनिया को चाहिए, बोले भाई तेरे पापों को माफ कर सकता है, तेरे दिल को बदल सकता है, तेरे अंदर की गंदगी को साफ कर सकता है। मैं बोल रहा हूँ 90% लोग चौंक जाएंगे जब आप ऐसा बोलोगे। तो मैं किसको बोल रहा हूँ चौंक गया, अरे मैं पापी हूँ? काफी लोग बोलते मैं पापी हूँ क्या, क्योंकि मैं तो मंदिर में चढ़ावा देता हूँ, मैं कुछ गलत बोलता नहीं, गाली बोलता नहीं, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मैं दारू पीता हूँ, मैं पापी हूँ क्या? लोगों को यही नहीं पता है। तो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल से ज्यादा इन दिनों में आत्मिक संदेश पहुंचाना बहुत जरूरी है। अभी ये हम पहले एक गरीब व्यक्ति से मिले, शिमोन, इसके पास जो रात भर मछली पकड़ने की कोशिश की, मछली नहीं पकड़ पाया, ऐसे व्यक्ति के बारे में किया। दूसरा व्यक्ति था जकियुस, जो बहुत पैसा था लेकिन गलत तरीके से पैसा कमाया। इन दोनों ने अपने अंदर की गंदगी को पहचाना, वो यहूदी वगैरह थे। अभी नॉन यहूदी के पास चलते हैं। अभी एक ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं जो पोजीशन में बहुत ऊंचा है ना। हम लोग में से कई लोग, कोई लोग मैनेजर होंगे, कुछ लोग सुपरवाइजर होंगे, है ना, कुछ लोग यूनियन लीडर भी हो सकते हैं जिसके नीचे बंदे हैं। हम सब मतलब कोई ना कोई पोजीशन में हो सकते हैं। लूका की किताब ना बहुत मजेदार है। अगर आप लूका की किताब पढ़ लिया तो क्या सुसमाचार का सारा उसमें है। बहुत डिटेल्ड किताब है, बहुत मजा आता है पढ़ने में। लूका की ही किताब में 7वां अध्याय का 6 यीशु, नहीं सॉरी, लूका की किताब में 7वां अध्याय का 4 पढ़ेंगे। के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे। और आगे पांचवा, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। ओहो, अभी यहाँ पर सिफारिश के साथ यीशु के पास कुछ यहूदी लोग एल्डर्स जाते हैं कि एक सेंचुरियन है। सेंचुरियन को हिंदी में क्या लिखा है? सुबेदार। एक सुबेदार है, है ना, इज़राइल के शासन काल में था। किसके शासन काल में था? इज़राइल के ऊपर प्रभुता कौन कर रहे थे? रोमन। रोमी सरकार, वो गैर यहूदी है। लेकिन कहता है ये बंदा है ना यीशु, जबरदस्त बंदा है, ये डिजर्व करता है। क्यों? ये देखो चर्च से प्यार करता है, ये चर्च भी बनवाया, ये बंदे की आपको मदद करनी पड़ेगी। ऐसे यीशु के पास सिफारिश के साथ लोग जाते हैं। तो वो व्यक्ति का सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है। रैनिश भाई, अरे बाप रे, वो तो प्रचार करता है, बाइबल भी प्रॉफ सिखाता है, सोशल स्टेटस अच्छा है। हमें रैनिश भाई के बोलो, बाकी किसी को बोला तो बुरा ना लगे कि रैनिश भाई तो प्रचार अच्छा करता, खड़े होता है, वो टाइट भी देता है, बीमारों को भी है, 2-4 बच्चों को भी पढ़ाता है। जस्ट मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा, लेकिन जो बच्चों को भी पढ़ाता है, यूथ को भी लीड करता है। ओहो यीशु, रैनिश का मदद आप करो, बंदा जबरदस्त है, सोशल स्टेटस अच्छा। अभी उसका 6 पढ़ेंगे। तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने कहा ठीक है तुम लोग बोलते हो, उसके साथ चलते हैं। हाँ ठीक, आगे क्या हुआ? इसी ने उनके साथ साथ चला। हाँ। पर जब वह घर से दूर न था। हाँ। तो सुबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा। हाँ। कि हे प्रभु दुख न उठा। हाँ। क्योंकि मैं इस योग्य नहीं, तू मेरी छत के तले आए। अभी यहाँ पर जो सुबेदार ने उसने क्या किया, उसने अपने गंदगी को वो कहता है प्रभु था, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे घर पे भी आए। अब वैसे हमारा घर क्या है? नए नियम में
परमेश्वर का घर क्या है, परमेश्वर का मंदिर क्या है? हमारा शरीर है। हमारे शरीर में यीशु आता है, जाता है, पवित्र आत्मा का व्यवहार रहता है। क्या हम इस योग्य हैं? Doesn't matter लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोगों का क्या ओपिनियन है, लोगों का ओपिनियन मैटर नहीं करता। सुबेदार बोलता है, यीशु मैं बहुत गंदा इंसान, मैंने बहुत लफड़े किए हैं। और रोमन उस टाइम का, अगर आपको इतिहास वगैरह पढ़ाया तो हम जानते होंगे रोमन का कल्चर थोड़ा बहुत अलग था, वहां पे व्यभिचार वगैरह तो बहुत सारी चीजें गलत होती थी। लेकिन रोम मतलब तो यीशु को मत आ, तो मेरे घर पे मत। लोगों ने क्या कहा, ये व्यक्ति का आपको मदद करना ही है, वो व्यक्ति खुद क्या कहता अपने बारे में, मत आ परमेश्वर, क्योंकि मैं योग्य नहीं। इसीलिए मैंने अपने बातचीत से पहले कहा, हम लोग कैसे बैठे, हम योग्य हैं, हम यीशु के नाम से धोए हुए हैं, हम प्रचार करने वाले, हम टाइप देने वाले, हम हैं, हम। लेकिन अगर आप परमेश्वर से सही फिट होगा तो आपकी आंखों से आंसू आएंगे, आप बोलोगे मैं कुछ नहीं हूं, मैं गंदा हूं, मेरी आंखें पाप करती है, मेरा जीभ पाप करता है, मेरे हाथ मेरा दिल पाप करता है, मैं क्यों आया हूं परमेश्वर, मुझे धोके शुद्ध कर दो, मैं अशुद्ध हूं। इसीलिए रोमन्स में लिखा है 12 में, प्रतिदिन डियर ब्रदर्स आई अर्ज यू रिन्यू योर माइंड, अपने मनों को नए करो। हम में से कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठने के लायक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य का रूप लिया, यहाँ आया। अंकुर भाई आपके लिए, जॉनसन आपके लिए, रनीश आपके लिए, मरा मरा ही नहीं, जी उठा ही नहीं, स्वर्ग में जाके फिर से वापस आने वाला है, परमेश्वर की आराधना जो करेंगे। कैसे हम लोग चुप बैठ सकते हैं, कैसे हमारे हाथ में ताली नहीं बन सकते, कैसे हम लोग नहीं नाच सकते, हमारी आराधना मरी हुई कैसे हो सकती है? एक ही कारण है मरी हुई आराधना का, हम लोग यहूदी के जैसा भी कंसिडर आवर सर, मैं कुछ तो हूं, मेरे में कुछ तो है अच्छा है। नहीं है, गलत धारणा है, एक गलत धारणा में से हम गुजर रहे हैं। स्पेशली मैं जवानों से भी कहूंगा, बुड्ढों से भी कहूंगा, सब लोगों से यही कहूंगा कि अगर आप अपने अंदर की गंदगी को पहचान के, सबसे पहला है गंदगी को पहचानना, पहले अंगीकार करना गंदगी है, दूसरा है यीशु के पास जाके उसको धोना। जब आप ये करोगे तो आप चुपचाप नहीं बैठ सकते। इसीलिए हम लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड क्यों बोलते हैं, क्यों निकलता है मुंह से, क्योंकि मैं क्या था, मैं कीचड़ में था, लेकिन यीशु मसीह मैं कैसा था, मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने हाथ देकर मुझे ऊपर उठाया, ऊपर उठा के मुझे चट्टान पे खड़ा किया, चट्टान पे खड़ा के नया गीत दिया, क्योंकि मैं स्वर्ग में पहुंचूंगा और आपकी आनंद काल तक आराधना आपकी करता रहूंगा। जब आप ये बोले तो आपको संडे आराधना आने में दिक्कत नहीं लगेगा। आप संडे क्या 9:30 क्या अपनी आराधना शुरू कब होती है? जब हम उठते हैं तब अपनी आराधना शुरू होती है। चर्च की आराधना कितने में शुरू होती है? चर्च में 9:30 उठते ही आपका आराधना चालू, फिर क्या गाड़ी में आराधना चालू, यहाँ आए कंटिन्यू करोगे आप चर्च में आके आराधना कंटिन्यू करते हो, स्टार्ट नहीं करते, यू कंटिन्यू योर वर्शिप हियर। प्रॉब्लम ये है, हम लोग यहाँ आके स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी फ्लो में होते हैं, आप जुड़ नहीं पाते, क्यों पहले से ही नहीं जुड़े हो, आराधना कंटिन्यू नहीं करते। जब आप सुबह उठ के ये जब याद रहेगा कि मैं क्यों हूं, मैं एक बच्चा या विश्वासी क्यों, मैं क्यों दारू नहीं पीता हूं, मैं क्यों पत्ते नहीं खेलता हूं, मैं क्यों व्यभिचार नहीं करता हूं, मैं क्यों झूठ नहीं बोलता हूं, मैं क्यों डाह नहीं करता हूं, अगर आप ये सोचोगे इसका सब एक ही रीजन है, क्या है? यीशु मसीह, और कोई रीजन नहीं है, वचन के हिसाब से कोई और रीजन नहीं।
जब आप ये सब सोचोगे तो आपका दिल किससे भरेगा? किससे भरेगा दिल? देश से? जलन से? आपका दिल धन्यवाद से भरेगा। फिर आप सही में आराधना कर पाओगे, धन्यवाद। आपके बात में दम रहेगा, आपके धन्यवाद में दम रहेगा, आपकी लाइफ में दम रहेगा। अदरवाइज आया, ताली मारा, पंचिंग किया, देखेंगे 9:30 बजे 10 बजे आधा घंटा लेट है, बॉस भी बोलता नहीं है, पंचिंग किया 12:30 को ही। चलो कंपनी में क्या करते लोग, 12:30 है तो 12:25 को ही काम वाम समेट के फिर लेट करते हैं, 5 मिनट हुआ, पानी पूनी पिया, चाय पी पिया, 12:30 निकल। वैसे ही देखेंगे 12:20 12:25 को फिर पंच आउट कर लिया आराम से, ये सोचेंगे भाई आज चिकन खाएंगे, क्या खाएंगे, कल का कैसे रहेगा। 12:30 बास्टर ने जैसे ही बोला पंच आउट किया, वी आर पंच आउट, पंचिंग क्रिश्चियन, पंच आउट क्रिश्चियन। हमारी आराधना ऐसा नहीं होना चाहिए, शुड बी कंटिन्यू। बातें शायद मेरी कठोर लगे लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ, सब बातें मेरे लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन इन दिनों जो परमेश्वर को, परमेश्वर का भाई, परमेश्वर का भाई करना हमारी ड्यूटी है। आज हमने पढ़ा एक्लेसिया, परमेश्वर का भाई रखना हमारी ड्यूटी है, हमारा उत्तरदायित्व है परमेश्वर का भाई रखना। परमेश्वर सिर्फ अनुग्रह देने वाला परमेश्वर नहीं है, इसलिए इब्रानियों के पत्र में लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा कहां पे है, कि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना कितना है, क्योंकि वो भस्म कर देने वाली आग है, वो आग नहीं है, उसके जैसा है, भस्म कर देने वाली आग। इसीलिए अपने सैल्वेशन को ट्रेम्बलिंग के साथ, भय के साथ, आहाब जैसे कांपा, हम गा रहे थे आहाब जैसे कांपा वैसी अग्नि उतार, डर के साथ, भय के साथ परमेश्वर के सामने। परमेश्वर आज आपने एक दिन और दिया इसलिए मैं आभारी हूँ। कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं पता, आज नौकरी है कल रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरा जिंदगी आपके हाथों में सुरक्षित है, आपने प्रॉमिस किया है। फिर आपकी आराधना में दम आएगा, तब आप गाओगे, ऑटोमेटिकली आपका मुंह से गाना निकलेगा, ऑटोमेटिकली ताली निकलेगा, ऑटोमेटिकली आप झूमने लगोगे, सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। लेकिन उसके लिए आपको, आप क्या क्या सबसे पहले क्या करना है, आपके क्या पहचानना है, अंदर की गंदगी। अगर एक डिफीटेड क्रिश्चियन लाइफ है तो उसका प्रॉब्लम क्राइस्ट में नहीं है, क्राइस्ट के बाद ईयन आता है ना, ईयन क्रिश्चियन का ईयन, ईयन में है वो, इसीलिए एक डिफीटेड क्रिश्चियन लाइफ है। तो आओ ये नया साल हम लोग अपनी आराधना में और ताकत लाए और मजबूती लाए, हम एक नए आभारी हृदय के साथ विद एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड लेट अस वर्शिप आवर गॉड, क्योंकि वो महाराजा है। मलाकी किताब में लिखा है, मलाकी किताब पहले अध्याय आखिरी में क्या लिखा, क्योंकि मैं महाराजा हूँ, महाराजा है। और यीशु ने क्या बोलता है, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य क्योंकि मैंने उस महाराजा को देखा है। आइए हम लोग भी परमेश्वर को देखें, अपनी गंदगी को पहचाने, और 9:30 बजे चर्च की आराधना में आप लोग घर पे आए, 10 बजे तक राह ना देखें। कुछ लोग सोते हैं, मैं भी सोच रहा हूँ रास्ते में उनके घर जाऊंगा, घर से उठा के नाक में लाना पड़ेगा, समय नहीं है, इसीलिए टाइम इज रियली अप। जैसे जैसे समय जा रहा है, जो आप दुनिया देखोगे, जिस तरह के रूल्स पास हो रहे हैं, जिस तरह का मॉरल धार्मिक अधपतन जिसे बोलते हैं, धार्मिक दृष्टि से कम हो रहा है, ज्यादा समय नहीं बचा है। जो खड़े हैं परमेश्वर के वचन में खड़े रहेंगे, क्योंकि समय बहुत बुरा है, जो गिरने वाला गिर जाए। इसीलिए मैं आपसे बहुत मैं विनती करता हूँ, आप आराधना में समय पे आए, एक जबरदस्त आराधना हम साथ मिलके करेंगे, और हमारे परमेश्वर को एक अच्छा सा अच्छा आराधना हम लोग समर्पित करेंगे। आमीन। हालेलुया।